देखो सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इशू ऑफ शेयर्स में जो टॉपिक्स हैं फुल्ली सब्सक्राइब का, ओवर सब्सक्राइब का और अंडर सब्सक्राइब का, जो हमारा सारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है ना, वो इसके आसपास घूमता है। अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो इसके आसपास घूमेगा पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, तो ओवर सब्सक्राइब के आसपास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम शेयर्स जैसे अगर 10 रुपये का है ना, तो 10 रुपये के शेयर्स को हम टुकड़ों में मंगवा सकते हैं। टुकड़ों में मंगाने का मतलब है मे बी पॉसिबल है कि आपका 2 रुपये हो और 3 रुपये हो और आपका 4 रुपये और 1 रुपये, सपोज करो। और मैंने कहा मैंने शेयर्स जो इशू किया है ना, इशू किए हैं मैंने शेयर्स, मान लेते हैं 1000 नंबर है ये। तो पहले वाले पॉइंट को हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में, पहले वाले पॉइंट को हमने कहा था शेयर, इसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। तो मुझे ज़्यादा रिमाइंड नहीं कराना, आपको 12th का थोड़ा बहुत आइडिया है ना। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम, अलॉटमेंट। तीसरे वाले को बोलते हैं हम फर्स्ट और सेकंड, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा सिंपल वाले में, फुल्ली सब्सक्राइब में। तो पहली जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में पता है क्या करोगे आप मुझे पैसे दोगे एप्लीकेशन लगा के। और क्या लगाओगे आप एप्लीकेशन, तो शेयर एप्लीकेशन होगा। और सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए आएंगे, देखो 1000 शेयर है, 2 रुपए का है, तो ये आ जाएगा हमारा 2000, मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। बींग क्या आएगा इसका, बींग आएगा हमारा शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। और दूसरी एंट्री की अगर हम इसकी बात करें तो इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सिर्फ आपने मुझे पैसे दिए हैं, तो पैसे दिए तो मेरे कंपनी का खाता क्या हो गया, डेबिट। और किस वजह से दिए, शेयर एप्लीकेशन, तो टू शेयर एप्लीकेशन हो गया। अगली एंट्री की अगर हम बात करें तो एंट्री होगा हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2000, और टू क्या लिखेंगे, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इसके बींग की बात करें तो बींग होगा शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, बताइए कोई दिक्कत इसमें। दो एंट्री बिल्कुल सेम है, वही जो आपने पहले करा हुआ है कभी ना कभी। तो अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो अलॉटमेंट के टाइम पे ना हमें पहले पैसे नहीं मिलेगा, पहले ड्यू करेंगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी हमारी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट क्या आएगा, अब 3 रुपये है अलॉटमेंट का, तो हम गुणा कर देंगे 3 से, मल्टीप्लाई इनटू में 3, तो वेरी सिंपल 3000 रुपये है ना। और आगे एंट्री बींग में क्या लिखेंगे, बींग, बींग क्या लिखेंगे बताओ, बींग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। ड्यू का मतलब हमें लेना बाकी है अभी, ठीक है ना। अगली एंट्री में बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बेसिक बेसिक एंट्री कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ने कर रखा है पहले 12वीं क्लास में, मुझे पता है। तो आप ये भी बोल सकते हो सर कॉल्स इन एरियर भी आता है, कॉल्स इन एडवांस आता है, उसके हिसाब से। तो 3000 और 3000, बींग क्या लिखेंगे, बींग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। कोई डाउट यहाँ तक, तो हमने बेसिकली जो ये एंट्री करा है जनरल एंट्री, कितने पॉइंट के लिए करा है, 2 पॉइंट के लिए। अब तीसरा हमारा फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल के लिए मैं यहाँ करता हूँ। तो शेयर
अब कुछ बच्चे बोलते हैं फर्स्ट कैसे लिखना है, सिंपल लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, तो एफ आई आर एस टी कर दो या फर्स्ट कर दो आप, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, एरियर एडवांस ये सब करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको शॉर्टकट करा रहा हूँ, आधार उधर अधूरा करवाऊंगा पूरा, लेकिन थोड़ा फास्ट रहेगा ट्वेल्थ के कंपैरिजन, क्योंकि ट्वेल्थ में आपने थोड़ा बहुत सीख रखा है, और जिन बच्चों ने ट्वेल्थ में नहीं सीख रखा उन्हें ट्वेल्थ क्लास की कंपनी देखनी पड़ेगी पूरा, क्योंकि उसके अंदर तो एक एक करके धीरे धीरे करवाते हैं ना। अगर मैंने अब आपको मैं करवाने लग गया एक एक करके धीरे धीरे करके, तो एक ही चैप्टर हो पाएगा फिर तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। जिसको समझ में नहीं आता वो ट्वेल्थ वाली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, वो ₹4 है तो यहाँ आ जाएगा 4000। 4000 कैसे आया पता है आपको, 4000 ₹4 इंटू में 1000, ठीक है। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, ड्यू का मतलब बाकी है, लेना बाकी है। इसके बाद बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो यहां पे जैसे ऊपर लिखा है ना शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे यहां भी लिखना है आपने, इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो ये आ गया हमारा अगेन कितने रुपए, 4000। और बींग क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। कोई दिक्कत यहां तक, सब ठीक ठाक। अगली एंट्री पे चले, अब किसका है हमारा सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल को एक और बोल सकते हैं हम फाइनल कॉल बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोलो आप। तो एंट्री क्या है हमारा, एंट्री है हमारा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये भी किस चीज की एंट्री करी है हमने, पैसे मांगने की। अमाउंट कितना आएगा बताओ, यहां पे 1000 शेयर है और फाइनल कॉल कितने का है, ₹1 का, तो क्या आ जाएगा 1000। मल्टीप्लाई आपने अगर साइड में कर दो तो बहुत ही अच्छा है, एग्जामिनर को थोड़ा हेल्प मिलेगा और आपको भी। इसका बींग क्या लिखेंगे, बींग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, हमने अमाउंट क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। इसके बाद अगली एंट्री करते हैं इस साइड में, अगली एंट्री बैंक में पेमेंट रिसीव हो जाएगा, तो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, टू शेयर फाइनल कितने रुपए, 1000। बींग क्या लिखोगे, शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, ट्रांसफर नहीं होगा, रिसीव होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है जो एंट्री आपने कर रखा है, तो फुल्ली सब्सक्राइब वाले केस में आपका ऐसा ही होगा कि आपको शेयर्स दे देंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कि आपने 1,00,000 शेयर है तो 1,00,000 से मल्टीप्लाई करना, 10,000 शेयर है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना, एंट्री यही होगा। मे बी पॉसिबिलिटी है कि कई बार एग्जामिनर बोल सकता है कि हमने फाइनल कॉल नहीं मांगा, नो नीड टू रिक्वायर्ड, तो फाइनल कॉल वाली एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके अंदर ओवर सब्सक्राइब का और फिर अंडर सब्सक्राइब का, एंट्री यही होना है। ओवर सब्सक्राइब में एक पॉइंट ऐड हो जाता है कॉल्स इन एडवांस, और अंडर सब्सक्राइब तो बिल्कुल सेम है। तो मैं पहले आपका एक ओवर सब्सक्राइब को केसेस बना के करा दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फोकस रखूंगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट कराऊँ फिर मैं बुक के ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है ना। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, वो भी हो जाएगा। तो फटाफट इसको एक बार नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए करें स्टार्ट, पहले जो पॉइंट किया था हमने फुल्ली सब्सक्राइब का, अब इसके बाद ओवर सब्सक्राइब करते हैं। वैसे अंडर सब्सक्राइब कर लेना था, उसमें सेम ही एंट्री होता। ओवर सब्सक्राइब में तीन केसेस बन सकता है, या तो आपका फुल्ली क्या हो सकता है हमारा रिजेक्टेड, या फुल्ली एडजस्टेड पार्टली। एग्जाम्पल के हिसाब से देखो तो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा मैंने इशू किए हैं, इशू सपोज करो 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन रिसीव जो है ना, रिसीव
वो सपोज करते हैं कि मेरा हो गया 12,000 शेयर का, और आपको अमाउंट का मैं कुछ ऐसे डिटेल देना चाहता हूँ, 10 रुपये है, ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता, 2, 3 और 5। अब रिमेनिंग के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल देता हूँ एक्सेस, क्योंकि 10,000 है और आपके पास एप्लीकेशन कितने हैं 12,000। तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ जितना इशू करते हैं ना उतने ही शेयर को दे सकते हैं। तो 2,000 एक्स्ट्रा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम 2,000 जो एक्स्ट्रा है ना उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। पहला मैं रिजेक्टेड का करवा रहा हूँ तो रिजेक्ट कर देंगे। तो मैंने कहा एक्सेस एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। या तो मैं रिजेक्टेड बोल दूं या रिग्रेट बोल दूं या रिफंड बोल दूं, ठीक है ना, तीनों का मतलब क्या है हमारा, एक ही है। अब देखिए जनरल एंट्री में कहाँ इंपैक्ट आएगा, कैसे करेंगे जनरल एंट्री में, इस साइड पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 फिर करेंगे। पहली एंट्री आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब कौन बच्चा बताएगा अमाउंट क्या है, बींग अब नहीं लिखूंगा, मैंने एक बार बींग लिख दिया, सब पे अप्लाई है। तो कितने शेयर थे, 10,000, लेकिन एप्लीकेशन 12 है ना, पहली एंट्री करेंगे 12,000 गुणा में 3 यानी 36। मैंने वहां पे 0 नहीं लगा है, यहां लगा दे। अगली एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर। देखो जो इक्विटी शेयर है ना इसके अंदर उतने ही शेयर्स जा सकते हैं जितना हम दे सकते हैं, तो हमारे देने पर हमारे पास अथॉरिटी कितनी है, सिर्फ 10, तो 10,000 ही जाएगा इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे तो जाएगा 30 और एप्लीकेशन कितने का रहेगा, 36। ये समझ में आ रही है बात आपको। मैंने बोला बैलेंस जो बच गया रिफंड करो, तो रिफंड कितने शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पैसे वापस करने हैं, तो सिंपल सी बात है 2,000। तो जो रिफंड करेंगे ना तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये आ जाएगा हमारा 6,000। कैसे, 2,000 शेयर हैं और 3 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा आए थे तो 6,000। बताइए कोई डाउट इसमें, बींग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बींग वही रहेगा, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई डाउट इसमें। अब अगला किसका नंबर आएगा, बिल्कुल सिंपल अलॉटमेंट की एंट्री करना है हमें। क्या एंट्री होगा, बैंक आपका अलॉटमेंट, मैं पहले ड्यू की एंट्री कर दूँ, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप बताइए फटाफट दिमाग में कैलकुलेट करके अमाउंट क्या आएगा, बताओ। अब जो करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे पता है, 10,000 गुणा में 2 यानी अब रहेगा 20,000, यानी पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव से और बाकी की एंट्री इशूड से करेंगे, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। इससे अगले एंट्री की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ कर देते हैं अगली एंट्री बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कुछ बच्चों के मन में ख्याल आ रहा है कि सर इसके अंदर एरियर भी आता था, एडवांस भी आता था, करेंगे हम धीरे धीरे सारे स्टेप को कवर करेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगली एंट्री किसकी करेंगे हम, फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ यहाँ पे कितने नंबर से करना चाहिए, कितने, 5 रुपये और मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो यानी पूरे 50,000। अगली एंट्री क्या होगा हमारा, बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और हेयर अमाउंट आ जाएगा हमारा अगेन 50,000 रुपये। फेल वगैरह का कुछ नहीं करवा रहा अभी मैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा केस नंबर 1, फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आ जाएंगे किस पे, जिसमें सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा वो करेंगे हम, ठीक है, फटाफट नोट करिए आप इसको। पॉइंट देखिए, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मैंने कहा एक्सेस एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्टेड की जगह पे मैंने लिख दिया एडजस्टेड। तो जब कभी एडजस्टेड होगा ना तो हमेशा याद रखना एडजस्ट जो होगा वो अगले कॉल पे होगा, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे पैसे लिए हैं और मैं एडजस्टेड की बात करूँ तो कहाँ होगा, अलॉटमेंट पे जाके होगा एडजस्टेड, ठीक है ना। तो एडजस्टेड के केस में क्या रहेगा हमारा, देखते हैं एंट्री, जो जो एंट्री चेंज होगा वो मैं दोबारा कर दूंगा पूरा इरेज करके।
फाइनल कॉल पे तो कुछ होगा नहीं, बाकी मेनली यहाँ बैंक की जगह पे पता ही क्या हो जाएगा। बैंक का मतलब होता है बेसिकली कि पैसे वापस करना, और एडजस्ट का मतलब हम पैसे वापस नहीं करेंगे उन व्यक्ति से। जब अलॉटमेंट पे पैसे मांगा जाएगा तो अलॉटमेंट पे हम पूरे पैसे नहीं लेंगे, इसका मतलब है। तो यहाँ पे सिंपल वे में देखा जाए तो यहाँ पे पता है क्या लिखना है आपको, एडवांस, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, यहाँ पे आपने लिखना है एडवांस ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट चेंजेस ये है, अमाउंट भी इनफैक्ट नहीं बदलेगा, जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। अगली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए से, सेम अमाउंट आ जाएगा हमारा, 2 रुपए है तो 20,000 जैसे पहले था। हाँ, ये एंट्री जरूर बदल जाएगी। अब एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, तो आप बताइए कि आपके बैंक में क्या पूरे पैसे आने के कोई चांसेस हैं? तो जवाब है सर, बैंक में पूरे पैसे आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने एडवांस भी ले रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने रुपए आएंगे आपके, आने चाहिए थे टोटल 20,000, और 20,000 में से जो एडवांस था 6,000 वो नहीं आएगा, तो बैंक में क्या आ जाएगा हमारा, 14,000 रुपीज़। और यहाँ पे एक एंट्री आ जाएगा अलॉटमेंट, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, या कॉल्स भी लिख देते हैं कई बार, एडवांस ऑन अलॉटमेंट डेबिट 6,000 और टू शेयर अलॉटमेंट पूरे 20,000। इसकी ना एक एंट्री और कर सकते हैं हम शॉर्टकट में, कुछ बुक के अंदर और कुछ बच्चे कर लेते हैं एंट्री, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, वो सीधा एंट्री कर सकते हैं। मैं नीचे लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और हम सीधा यहाँ पे 14,000 रुपये लिख के कर सकते हैं, ये भी एंट्री बिल्कुल ठीक है, समझे। या तो आप ये वाली एंट्री करिए या फिर ये वाली एंट्री करिए, दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हो। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? फिर से मैं बता देता हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या था, मैंने 10,000 इशू किए और एप्लीकेशन 12, 2,000 को मैंने बोला कि मैं इस पैसे को एडजस्ट करूँगा, एडजस्ट का मतलब आने वाले अलॉटमेंट पे लेके जाऊँगा। तो पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर। अब जो पैसा हमें रिफंड करना था तो क्या वर्ड लगाया था, बैंक, रिफंड करना था तो क्या लगाया था, बैंक। अब जब एडजस्ट करना है तो क्या लगाया हमने, एडवांस। यहाँ कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो, कई लोग लिख देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं सर कॉल्स पे तो गया नहीं, तो लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का हो गया, और ये एंट्री हो गया बैंक में पैसा, तो बैंक में पूरे पैसे तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि एडवांस तो पहले ले चुका है हमने। तो 20,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, 14 बैंक में आ गया, बाकी एडवांस 6 और 2 शेयर अलॉटमेंट। फाइनल कॉल वही रहेगा, फाइनल कॉल पे कोई भी चेंजेस नहीं है, शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर बैंक टू ये, और ये एंट्री इसका अल्टरनेटिव मैंने करा है। कोई दिक्कत, फटाफट नोट करिए। फिर थर्ड पॉइंट बचता है, पार्टली एडजस्टेड एंड पार्टली रिजेक्टेड। तो मैं क्या समझा रहा था, मैंने क्वेश्चन इसी में चेंज किया है। चेंज क्या किया, क्या किया मैंने, 500 शेयर वर रिजेक्टेड, टोटल हमारे पास ना 2,000 शेयर एक्स्ट्रा आए हैं, जिसमें से मैं सिर्फ 500 शेयर को ही चाहता हूँ कि मैं रिजेक्ट करूँ, तो बाकी कितने बच गए जिसका हिसाब लगाना है, 1500। तो 1500 को बोला मैंने मैं क्या कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। तो अब पहली एंट्री तो हमारी यही रहने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। क्वेश्चन क्योंकि मैं सेम ही लेके चल रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी ये भी रहेगा, जितना रिजेक्ट होगा उसके लिए तो वर्ड क्या लगाते हैं रिजेक्ट के लिए, टू बैंक। और आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है कि 500 करने हैं, तो 500 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, ये 1500। और कितने रिजेक्ट नहीं हुए वो कहाँ पहुँच जाएंगे, अलॉटमेंट पे, तो जो रिजेक्ट नहीं हुआ अलॉटमेंट पे चला जाएगा, तो एडवांस कहाँ पे डाल दें हम, ऑन अलॉटमेंट पे कितने रुपये, 1500 शेयर और गुणा में 3 × 3 यानी 40, बताइए कोई दिक्कत। अलॉटमेंट की एंट्री यही रहेगी कॉलिंग की, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगली एंट्री की बात कर लेते हैं, चेंजेस यहाँ आ जाएगा। यहाँ सर क्या चेंजेस आएगा, यहाँ चेंजेस आएगा, हमारे बैंक में पेमेंट आएगा,
ना बैंक में पूरा पैसा नहीं आएगा, बैंक में हमारे हिसाब से तो 20,000 आना चाहिए। कौन से हिसाब से 20,000? अलॉटमेंट के हिसाब से 20 आना चाहिए ना, लेकिन कुछ पैसा एडवांस है वो नहीं आएगा। एडवांस पैसा चेक करो कितना है बताओ, 4,500। तो यहाँ से 4,500 माइनस करेंगे जब, हाँ तो यहाँ पे आएगा क्या हमारा 15,500। और यहाँ पे आ जाएगा एडवांस ऑन अलॉटमेंट 4,500 और टू शेयर अलॉटमेंट पूरे कितने 20,000। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसका अल्टरनेटिव एंट्री क्या हो सकता है, मैं नीचे कर रहा हूँ। देखो फाइनल कॉल की एंट्री यही रहेगी और बैंक वाली भी यही। अल्टरनेटिव एंट्री क्या रहेगा इसका? अल्टरनेटिव एंट्री रहेगा हमारा सीधा 15,500 और 15,500। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? क्लियर है? तो फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए, ये कौन सा था हमारा, पार्टली एडजस्टेड एंड पार्टली रिजेक्टेड। इसके बाद अंडर सब्सक्राइब का केस है। अंडर सब्सक्राइब वाला केस बहुत सिंपल है। सिंपल क्या मान के चलो, वो तो सबसे सिंपल ही रहता है। तो हमने आज वाली क्लास में क्या करा, फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब। अब इसके बाद हम देख लेंगे क्या, अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब के बाद हम बात करेंगे फेलियर वाले, कॉल सिनेरियर वाले। जल्दी जल्दी हम निपटाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो हम होपफुली अगली क्लास में मैं फेलियर वाले सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, उससे अगली क्लास में फोर फीचर पर पहुँचेंगे हम।